ये सब झूठ का पसारा है, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल है, इससे कभी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा को अपने पुत्र की जरा सी चिंता नहीं, हजारों हजार वर्षों तक अपने ही पुत्र को भटका करके रखा। अंत में उन्होंने उपाय बताया, भाई संत शरण से होए वारा और तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा। अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो संतों की शरण में जाओ। प्रेमी भाई बहनों, जब उस अनामी महाप्रभु ने जीवों की हालत देखी कि जीव अंधकार के दलदल में फंसता चला जा रहा, चारों तरफ आडंबर ही आडंबर है, पाखंड ही पाखंड है, कर्म कांड ही कर्म कांड है, तब स्वयं अनामी महाप्रभु ने संतों महात्माओं को धरती पर भेजा और संत महात्मा फकीर इस धरा भूम पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते कि भाई हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचावना एक हमारा काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में आकर फंस गए। अरे नन्नारियों, यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है, ये कौम तुम्हारे कौम नहीं, तुम्हारे कौम सतनाम है और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत, न समाज छोड़ने की जरूरत, न जात और बिरादरी बदलने की जरूरत। हरे नन्नारियों, ये जात पात के रगड़ो झगड़ो ने महात्माओं के ऊपर, प्रेमी भाई बहनों, ये जात पात के रगड़ो झगड़ो ने ही ये हमारे आपके ऊपर पर्दा डाल दिया। वरना प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के और 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता। क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या आदमी और क्या औरत, क्या ऊंच और क्या नीच, क्या अमीर और क्या गरीब, वो नाम सबके लिए साझा है। वो हर मनुष्य के अंदर दिन और रात धुनकारे दे रहा, वो साधु संतों के अंदर गूंजता है तो वह चोरों ठगों के अंदर भी गूंजता। यहाँ किसी कौम का सवाल नहीं, यहाँ किसी मजहब का सवाल नहीं, यहाँ किसी जात और बिरादरी का सवाल नहीं। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन के खुराफात है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए, ये हमने आपने पैदा किए। अरे किसके लिए, केवल अपने स्वार्थ के लिए। हरे नन्नारियों, महात्माओं का जो उपदेश होता वो कुलालम के लिए होता है, सारी दुनिया के लिए होता। कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम बनाने आता, ना कोई मजहब चलाने आते, और ना ही आप हमारे हाथों में डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते। इसीलिए महात्मा समझाते हैं, भाई हमेशा के लिए यदि तुम सुख पाना चाहते हो तो सुरत सुन बात भी तेरा धनी बसे आकाश। क्या जीवात्माओं, तुम्हारा मालिक वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो सचखंड में रहने वाला। तुम यहाँ माया के जाल में फंसे हुए जब तक तुम अपने घर जा करके अपने मालिक से मिलाप नहीं कर लोगे, तुम सुख किस तरह हासिल कर सकते, तुम शांति किस तरह प्राप्त कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, कभी कभी हम लोगों के मन में ख्याल आता है, ईसाई जिन दिनों महात्मा आए थे
तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी ना रही होगी। इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते, अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली। पहले हम झोपड़ियों में रहते थे, एक आध कोठरियों में पूरा परिवार रहा करता था। खेती बाड़ी भी लोग हाथों या बैलों से किया करते थे। 15-20 मीटर कोई जंगल में, कोई पत्थर में, कोई कुछ, कोई कुछ। अब कोई अच्छी बात है, इससे शरीर हल्का होता है, काया कमजोरी रहती। लेकिन हम ये सोच ले कि हम प्रतियावास करके उस मालिक को प्राप्त कर लेंगे, तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। एक आदमी का प्रण था, मैं रोज धीरे धीरे करके पाठ कर दिया, किसी को पानी में, किसी को पत्थर में, किसी को मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी को गंगा में, किसी को जमुना में। अरे नंदारियों, इन बाहरी कर्म कांडों से न कभी किसी को मुक्ति मिली, न भविष्य में कभी मिल सकती है। प्रेमी भाई बहनों, लोमस ऋषि और ब्रह्मा का संवाद ये आपके धर्म पुस्तकों में आता है। ये जगत के जीव जितने भूल भरम और जितने कर्म कांडों में आप लोग फंसे हुए, आप लोग बड़े ध्यान से संवाद को सुनिएगा। हम कोई अपनी बात नहीं कह रहे, ये आपके धर्म पुस्तकों में लोमस ऋषि और ब्रह्मा का संवाद आता। लोमस ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते। लोमस ऋषि अपने पिता से यानी ब्रह्मा से पूछते हैं कि पित्र से पूछ मुक्ति की माता और गंगा का तल कहो विधाता, कि हे पिताजी मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा आप हमको दया कृपा करके समझा दीजिए कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब लोमस ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि गंगा का तल भाग सुनाई, गंगा आदि मुक्ति की दाई, कि हे लोमस ऋषि तुम जाओ जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा स्नान करेगा उसे शहर में मुक्ति मिल जाएगी। जाओ तुम्हें काम करो जाकर के, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तब लोमस ऋषि जवाब देते हैं कि सहस एकादश गंगा नहाया, जासे जोरी मक्षिता पाया, कि हे पिताजी मैंने सहस्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया, बड़ी शुद्धात्मा के साथ में गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला। जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे मक्ष की योनि में, मक्ष कहते हैं मछली की योनि में डाल दिया, अनेक जीव मार मोए खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि मिल गई, तो अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया, मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, एक नहीं जय जय तीरथ समय नहाए, जब जीव जौनि माही भरमाए, कि जितने भी तीरथ थे सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया। जब मैं आशा बांधी, जब मैं मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसी युक्ति मुक्ति बतलाओ, भावजल पार उतर के जाओ, ऐसी युक्ति ऐसे मुक्ति का रास्ता हमको बतला दो, जिससे हमारी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जावे, हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावे। हे पिताजी दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमस ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि लोमस ऋषि सुनिए भाई, सेवा ठाकुर की दे जाए, कि हे लोमस ऋषि मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो, तुम जाओ जाकर ठाकुर जी की पूजा करो,
चरना व्रत व्रत साधो सोए और सहज में मुक्ति पुण्य होए। रोज रोज पूजा करना, रोज रोज चरनामृत पी लेना, ये सहज से सहज यानी सरल से सरल काम है। रोज रोज पूजा करो, रोज रोज चरनामृत पी लो, जाओ तुम यह काम करो जाकर के, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमस से जवाब देते हैं कि सहस वर्ष ठाकुर को सेवा दूजा जाना और न भेवा। हे पिताजी, मैं सहस्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक ठाकुर जी की पूजा की, उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं माना। विधि विधि ध्यान विधि से कीन्हा, अफल पायो पाहन को लीन्हा। कहते भाई विधि विधि ध्यान, विधि और विधान के साथ में जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, ठीक उसी प्रकार से विधि विधान के साथ में मैंने पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? फल पायो पाहन को लीन्हा। पाहन कहते जड़ को, यानी मुझे जड़ में वास मिल गया। अनेक दिवस पाहन कर आता और अंत तहां पुनि लीनो वासा। अनेकों अनेक युग युगांतर तक मैंने पाहन में यानी जड़ में आशा बांधी, जड़ में मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जावे। हे पिताजी दया कृपा कवल है, और आप सबसे ऊपर, आपकी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहां पर देवियां बिंदी लगाती और पुरुष जहां टीका लगाते। ये बिंदी टीका यहां इसीलिए लगा जाता क्योंकि यहां जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता। तो यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे के चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता, आपके हाथ और पैर चलते हैं। लेकिन जब आप भजन करोगे और घंटे संघ की आवाज को पकड़ोगे तो उस आवाज में कशिश है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये नौ द्वारों से सिमट करके ऊपर दसवें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा, जहां पर ये जीवात्मा बैठी। और जैसे ही प्रकाश सिमट कर यहाँ इकट्ठा हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े, आप अपने ही शरीर से अलग हो जाओगे। फिर उसी आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। हरे नन्नारियो, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, कभी तुमने विचार नहीं किया भाई जिनकी हम पूजा करते हैं आखिर ये है कौन, ये कहाँ पर रहते हैं, इनके माँ बाप कौन है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पार ब्रह्म कौन है, जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लो। जब आप भजन करोगे, अपने शरीर से अलग होकर के जब आप ब्रह्मांडों की चढ़ाई करोगे, तो सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिव लोक कहा। शिव लोक तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे संघ की आवाज को पकड़कर फिर आप ऊपर चढ़ोगे, तो उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिल जाएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं, वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ में उस लोक में विराजमान है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे संघ की आवाज को पकड़कर फिर आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिल जाएगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है, वहां के मालिक विष्णु जी हैं, उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है, उनकी चार भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित है, और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठकर राज कर रहे, और एक रचयिता है जो जीवों को रचता है,
एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना और एक का काम है घड़े को फोड़ देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश आपको मिलेगा, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी आपको मिलेगी, जिसे महात्माओं ने साहस दल कवल कहा, वो राजधानी है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव के जो लोक है उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले, जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और बाकी सभी जिले हैं, इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो साहस दल कवल राजधानी, राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र है और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक है। इन्हीं को त्रिलोकी नाथ कहा गया, हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते और ईसाई उन्हीं को गॉड कहते। अरे घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही वो आवाज उन्हीं के मुखारविंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है, हजार बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। अरे हम आप यहाँ ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती और बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत और ना बाती की जरूरत। अरे पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा बुआ गगन में और तिसमें जरे चिराग, और तिसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बाते, और छह ऋतु बारह मास जरत रहे दिन राते, और सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोए वह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा, न जाने कितनी अवतारी शक्तियां। अरे राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया, इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा जाता। और जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई, वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर आप दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके और दूसरे मंडल की चढ़ाई करोगे। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, पंख के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा, वहां के जो मालिक है वो ब्रह्म है, वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई, वहीं से तीन गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद है, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, अरे वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घन हर गर्जे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा, वहां पर दो धुने बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में होती रहती। और ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान, ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर पहुंचे तभी उन्होंने लिख दिया कि लाली मेरे लाल की जित देखो तलाल, लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता, जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी ब्रह्म स्वरूप हो गया। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है, श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं।
अरे ये जन्माष्टमी जो आप मनाते हो ये जन्माष्टमी नकली है। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे, जब तुम्हारी ये जीवात्मा पांच तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और तीन गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण पांच तत्व तीन गुणों से परे होकर के ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लेगी तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद यही जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके और तीसरे मंडल की चढ़ाई करती। आगे पहुंची शून्य झंकार ररंकार ध्वनि सुनी पुकार आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर पैठनाई। इसी के ऊपर तीसरा देश आता जैसे महात्माओं ने शून्य देश कहा उसी को रारंग देश कहा जाता। वहां के जो मालिक है वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहां किंगरी और सारंगी दो ध्वनि उस लोक में गूंजती रहती और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से कर्मों की सफाई नहीं होने वाली, ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता लेकिन जो पापों का मैल है जो अंतःकरण में गंदगी जमा वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए मिले जो अमी आहारा। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तब फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती। दो पर्वत के संग निहारो और भवर गुफाते संत पुकारो। दो पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भवर गुफा कहा। वहां के मालिक सोहंग पुरुष है। वहां बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनिया सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती और सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप था वो ज्योति स्वरूप था। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो पांचवा देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां न काल है न कर्म है न दुख है न संताप है न पुण्य है न पाप है। रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक वही हमारे आपके सच्चे पिता। हमको आपको वही से नीचे उतारा गया। फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर अब पहुंचो सचखंड सतनाम। तो शब्द का पकड़ में आएगा जब आप भजन करोगे और भजन कैसे किया जाएगा एक बार फिर से आप लोग समझ लो। ये आंख और कान को बंद कर लेना लेकिन मन को रोकने की कोशिश करिएगा। ये मन आपका जरूर भागेगा। अभी यहाँ सत्संग में बैठे हो शरीर बेचारा यहाँ बैठा है लेकिन मन आपका भाग रहा। अब किसी को पानी पीने जाना मन पानी पीने पहुंच गया। शरीर बेचारा यहाँ बैठा मन कर रहा चलो पानी पिया चलो पानी। अब किसी को नाश्ता करने जाना मन नाश्ता करने पहुंच गया। कोई दुकान दफ्तर छोड़कर आया मन दुकान दफ्तर में पहुंच गया। कोई खेती बाड़ी छोड़कर आया मन खेती बाड़ी में पहुंच गया। शरीर बेचारा यहाँ बैठा मन भागा भाग लगा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होगा। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना और बड़ा बैरी ये मन घट में किसी का जीत ना कटना।
अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब नौ द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ दसवें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। अरे बाहर की दशहरा नहीं है, जो लकड़ी का रावण बना देते हो और फूंक फाक करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम विजय दशमी कब मनाओगे? जब नौ द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ दसवें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजय दशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, अरे इसी जीवात्मा, एक माला आप लोग ले लेना, ये देखो प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके आप सभी लोग बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना और दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां पर देवियां बिंदी लगाती और पुरुष जहां टीका लगाते, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने अपने ध्यान को जमा करके और मन ही मन अंदर ही अंदर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण हर दाने पर आपको करना है। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, कुल 108 बार करिएगा। दोबारा फिर यहाँ पर आ जाना, यहाँ से फिर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करना। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, कुल 108 बार करिएगा। और तीसरी बार फिर यहाँ आ जाओगे, यहाँ से फिर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करना। प्रेमी भाई बहनों, जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे तो दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को जमा करके और मन ही मन अंदर ही अंदर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का स्मरण आप सभी नए प्रेमी भाई बहन करेंगे। चौथी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का स्मरण, पांचवी बार फिर यहीं से, इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का स्मरण आप सभी नए प्रेमी भाई बहनों को करना है। 8 बार करने के बाद ये माला आप लोग रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं अनामी महाप्रभु का नाम है। हमारे गुरु महाराज इस कलयुग में जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। अरे अभी क्या देखते हो, वो समय आगे आ रहा, जय गुरुदेव नाम से आगे चल करके न जाने कितनी रूह है, ये खेपों की खेपे पार होगी। ये नए जीवों के लिए रास्ता सरल से सरल किया गया, वरना बहुत से पुराने पुराने प्रेमी अगर उनसे पूछा जाए कि जरा नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, वो तक भूल जाते। अब इतने पुराने हो करके आज तक आप लोग याद नहीं कर पाए, बड़ा भारी दोष लगता। इसलिए नए जीवों के लिए रास्ता और सरल किया गया। अब आप जय गुरुदेव नाम का स्मरण करिएगा, इसी नाम से नए जीवों का कल्याण होगा। एक है साध है सब सध है, सब साध है सब जाए, जो दो नाव पर पैर रखते वो बीच मझधार में गोता खाते। इसलिए अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, गुरु तुम्हारा सच्चा रहवर, गुरु तुम्हारा सच्चा साथी। अजब मौत आएगी, न रिश्ते नातेदार काम आएंगे, न कुटुंब परिवार वाले काम आएंगे, उस समय तुम्हारी कोई मदद करेगा, वह केवल तुम्हारा गुरु है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सबसे पहले जय गुरुदेव नाम का सुमरण आप सभी नए प्रेमी भाई बहनों को करना है। और सुमरण करने के बाद में फिर आप ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान, और ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना। अच्छी तरह बैठ कर समझ लो कैसे ध्यान करोगे। प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह समझ लोगे तभी घर पर जाकर कर सकोगे, और नहीं समझ पाए तो खाली आए और खाली चले गए, कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए बैठ करके एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनो,
तो ध्यान आप लोग कैसे करोगे, आप लोग अच्छे तरह समझिए। ये बाहर से अपने आंख को बंद कर देना, दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां पर देवियां बिंदी लगाती और पुरुष जहां टीका लगाते, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, खरत करत अभ्यास ते और जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा, या उस अंधेरे को ही देखते रहना, दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि सामने अंधेरे में एकाग्र होगी, तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, चम 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 चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ेगा। जब वो चमकदार बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ जाए, तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र कर दोगे, तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता कि बिंदु को छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, चूंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखना, आपका निशाना उस बिंदु पर एकाग्र रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। अरे वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार कहा गया, वो हरिद्वार है। जब एक टक होकर के देखते रहोगे, वो दरवाजा खुल जाएगा और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। बहुत बड़ा मैदान दिखाई पड़ेगा, उसी मैदान में खड़े हो जाओगे, तो सबसे पहले आपको अपने सदगुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सदगुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा, जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरण करोगे। अगर आपने सुमरण ना किया, आपने उनको याद ना किया, तो जब आप उनको याद ही नहीं करोगे, तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे? और जब आपको दर्शन नहीं होगा, तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम का सुमरण सबसे पहले आपको कराया जाता। जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरण करोगे, फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे, तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो ये है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझ लो कैसे ध्यान करना है। अच्छी तरह समझ लोगे तो घर पर बैठ करके कर सकोगे। तो ध्यान कैसे करना है फिर से आप लोग समझ लो। घर में पलथी मार करके बैठ जाना, बाहर से अपनी आंख को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां पर देवियां बिंदी लगाती, पुरुष जहां टीका लगाते, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को टिकाइएगा। होशियारी यही रहे, आंखों के पुतलियां हिलने ना पाए। एक टक होकर के सामने अंधेरे को देखते रहना। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना, अपने शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, शून्य होकर के सामने अंधेरे को देखते रहिएगा। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि सामने अंधेरे में एकाग्र होगी, तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु चम 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 चमकेगा, वो सामने दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए, तब आप अपनी दृष्टि को
उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। अरे वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। तो प्रेमी भाई बहनों, ये ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। भजन कहते उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। अब कैसे आप लोग भजन करोगे अच्छी तरह समझ लेना और घर पर जाकर के करिएगा। तो सबसे पहले भजन कैसे करना है प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह आप लोग समझ लो। ये आंख और कान को बंद कर देना, ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर देना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाओ, या कोई कड़ी तकिया इस तरह से रख लेना, दोनों कोहनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डालकर ये कानों को बंद कर लेना। अब बहुत सी हमारी माताएं बहने बूढ़े बुजुर्ग, अरे भाई आपके घुटनों में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते, तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाओ, लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर दो। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे लेट कर करो या चाहे बैठ कर करो। अरे यही कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके जरा गौर से आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके अंतर में गौर से आवाज को सुनने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कई सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही। शाम को अपने अपने घरों में जाकर बैठिएगा, ये कानों को जरा बंद कर देना और जरा ध्यान दे करके सुनिएगा तो सीटी जैसी आवाज शुरू शुरू में सुनाई पड़ेगी। इस तरह से सीटी जैसी आवाज आप सभी को शुरू शुरू में सुनाई पड़ेगी। करना आपको कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन, इस तरह से घंटे और शंख की आवाज सुनाई पड़ेगी। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोए, और ढाई अक्षर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। दुनिया वाले कहते हैं कि ढाई अक्षर का मतलब प्रेम है, अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस ढाई अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया वो है शब्द, शा आदा बा और दा। उसी घंटे संघ की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा, उसी को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम यधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर दिन और रात धुनकारे दे रहा। उसी घंटे संघ की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा, उसी को गुरु नानक साहब ने धुन की वाणी अनहद वाणी कहकर इस याद किया, उसी को ईसा मसीह साहब ने वर्ण या लागस कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी आकाशवाणी कहकर याद किया। वो शब्द, वो नाम, वो घंटे संघ की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, लेकिन शुरुआती समय में ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन 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 टन, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे संघ की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे संघ की आवाज को पकड़ लेना, क्योंकि सीटी की आवाज सिर्फ एक माध्यम है, आपको असली आवाज तक पहुंचा देगी।
और जब आपको असली आवाज मिल जाए, घंटे संघ की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप उस आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे, वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और संघ की आवाज गूंजने लगेगी। बड़े घन घोर आवाज होती है, बड़े मधुर वो आवाज होती। ये दुनिया के संगीत आप जो सुनते हो, ये संगीत उसके सामने कुछ नहीं। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे। अरे शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे। चलो हम भी गांजा भांग उड़ाएंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे, वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे, आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे। यदि उस समय पर तुम्हारे शरीर के लाखों टुकड़े कर दिए जाए, फिर भी तुमको पता तक नहीं चलेगा, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे। क्योंकि उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये नौ द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये नौ द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह समझ लो, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। दुनिया का जब विज्ञान समाप्त तो हो जाता, तब ये पराविद्या का विज्ञान शुरू। यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकी नाथ कहती, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम और एक राम है सबसे न्यारा। पांचवें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम, तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते। मोटी बात आप लोग समझो, भजन कैसे करना है। आप कान को बंद कर देना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा, सीटी जैसी आवाज मिलेगी, उसको पकड़ लेना, सुनते रहना। कुछ समय बाद में आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और संघ की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे संघ की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे संघ की आवाज को पकड़ देना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर देगी। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना, रोज कृष्ण के दर्शन करना। अरे अभी तो आप नकली में फंसे हो। ये बंबई में बैठे कलाकार कोई राम बन जाता, कोई कृष्ण बन जाता, अरे उनकी फोटो बाजार में कैलेंडर छप जाते। आप बाजार से कैलेंडर खरीद के ले आते, घर के कोने में टांग देते, सुबह शाम नहा धो करके और पूजा अगरबत्ती उनकी करते रहते। वो बंबई में बैठकर मुर्गा मुर्गी खा रहे, तुम घर में बैठकर उनकी पूजा कर रहे, ये कितनी बड़ी अज्ञानता। अरे महात्माओं ने कहा भाई राम भी तुम्हारे अंदर है, कृष्ण भी तुम्हारे अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर, चल करके उसका दर्शन दीदार करो। तो सुमरन ध्यान और भजन, ये तीन क्रियाएं आपको बताई गई, नित्य नियम से आप लोग करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा प्रेमी भाई बहनों, जो भी आपको दिखाई और सुनाई पड़े, आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, बहुत से लोग गलती कर देते हैं और खुशी के मारे दूसरों को बता देते। उस समय आपको इतनी खुशी होगी, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और दूसरों को बोल दोगे कि हमको ऐसे ऐसे पहाड़ दिख रहे, ऐसे ऐसे जंगल दिख रहे। अगर आपने दूसरों को बता दिया, वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये गूंगे की मिठाई है। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये परमार्थी दौलत है।
आप अपनी दौलत को कितना छिपा करके रखते, घर के अंदर अलमारी में बंद करके रखते, कोई बाजार में ढिंढोरा नहीं पीटता। अगर ढिंढोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे ही वो परमार्थी दौलत है, जितना उसको छिपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन ध्यान सुमरन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, सभी लोग शाकाहारी रहना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ए बच्चा तुम शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नन्नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते, लोगों की भावनाएं बदलती। और विचार जब बदलेंगे, जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देशी कहावत है, जैसा खाए वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रति भोजन करेगा, उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में, ये दुनिया भर के अत्याचार, ये दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे नन्नारियों, हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। प्रेमी भाई बहनों, फिर ये जो हरि मंदिर है, परमात्मा ने स्वयं बनाया ये पंच भौतिक शरीर, जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा। इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, शराब के कतरे डालते, इसको कब्रिस्तान बनाए हुए, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की तुम कद्र करोगे, और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर की कद्र नहीं करते तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दे दान, और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गऊओं का दान करो, और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वही बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता, क्योंकि एक कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए, उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पदम चमकता था, हिरण की आंख समझकर बहेलिया ने निशाना मार दिया, और जब पास में आकर देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जश करे सो तत्फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। अरे धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे केशव, में अंधा क्यों हूं, मुझे 100 जन्मों की खबर है, मैंने इन 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मैं अंधा होता। कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जरा और पीछे जाकर देखो। देखा तो 106 जन्म का कर्म निकला। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का बड़ा पेचीदा जंजाल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया, बड़े बड़े देवी और देवता ये कर्मों के जाल में फंसकर धोखा खा गए। कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चीटा देख रहे हो, ये कई बार इंद्र बन चुका। अरे नन्नारियों, अगर स्वर्गों का राजा इंद्र वे अपने कर्मों के कारण चीटा बन सकता, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा,
हम लोग विचार नहीं कर पाते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना, ये धर्म का प्रचार है। अरे नन्नारियो, सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा, जब आप धर्म का प्रचार करोगे। और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है। ये ठेका कोई महात्माओं नहीं ले रखा कि भाई ये साधु महात्माओं का ही काम है, ये धर्म का प्रचार तो बाबा लोग करें, अरे हम लोग क्यों करें? ये ठेका केवल उन्हीं का नहीं है, अरे धर्म का प्रचार तो कोई भी कर सकता। अरे दाढ़ी रखा लेने से कोई साधु नहीं बन जाता, या कपड़ा पहन लेने से वेशभूषा का नाम साधु नहीं है। साधुओं जैसे कर्म होने चाहिए। अरे आप तो सबसे बड़े साधु हो, दुनिया के साधु तो आप पर निर्भर है, आप सबसे बड़े साधु हो। अरे अपने मेहनत और ईमानदारी से आप कमाते खाते हो, और जो समय मिलता है उसमें धर्म का प्रचार करते। हम आपको सबसे बड़ा साधु मानते, आप सबसे बड़े साधु, आपका फर्ज और कर्तव्य बनता अपने गुरु के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाएं। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज ही प्रकाशवान हो जाएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए आपको जिम्मेदारी सौंपी गई कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव की जिम्मेदारी उठाए। एक एक गांव को आप लोग गोद ले लो, भाई हम इस गांव को गोद लेते हैं, हम इस गांव की जिम्मेदारी उठाते, हम इस गांव के लोगों को शाकाहारी बनाएंगे, इस गांव के लोगों को भजनानंदी बनाएंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, आप एक एक गांव गोद ले लोगे तो हिंदुस्तान में गांव की कमी पड़ जाएगी, लेकिन सत्संगियों की संख्या कम नहीं पड़ने वाली। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये धर्म का प्रचार है, अपने तन से योगदान दीजिएगा। अगर आपने धर्म का प्रचार नहीं किया, ए नन्नारियो, तुमको कलंक लग जाएगा, इतिहास तुमको माफ नहीं करेगा। क्योंकि आप लोग गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हो। अरे आप जानते हो आगे गड्ढा है, और जानते हुए भी अगर हमने मुसाफिर को नहीं बताया भाई ठहर जाओ आगे गड्ढा है, तुम गड्ढे में गिर जाओगे, और वो मुसाफिर जा करके अगर गड्ढे में गिर गया तो पाप हमको आपको भी लगेगा। क्योंकि हम लोग जानते हुए भी उसे बताए नहीं, उसे समझाए नहीं, उसे चिताए नहीं। अगर समझा दिया होता, अगर बता दिया होता, अगर चिता दिया होता, तो निश्चय ही उसकी जीवात्मा नरकों और चौरासियों से बच जाती। तो प्रेमी भाई बहनों, सही बात को न बताना ये भी बहुत बड़ा पाप होता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपकी जिम्मेदारी बनती है धर्म के प्रचार में अपने तन से योगदान दीजिएगा। अरे ऊपर जाकर पूछा जाएगा, जब मैंने तुमको मनुष्य शरीर दिया, तुमने मनुष्य शरीर में बैठकर क्या किया? उस समय तुम कहने योग्य हो जाओगे, नहीं हमने धर्म का प्रचार किया, हमने इतने लोगों को शाकाहारी बनाया, इतने लोगों को संगत के साथ जोड़ा, इतने लोगों को हमने दरबार में जोड़ा। अरे वही तुम्हारे लेखे जोखे में लिखा जोखा जाएगा। अरे यही तो गुरु महाराज कहते थे, ए बच्चा तुम गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव में भजन होने लग जाए। जब गांव गांव में सत्संग होने लग जाएगा, गांव गांव के लोग जब भजन करने लग जाएंगे, जब गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज ही बदल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्र के उत्थान के लिए हम प्रेमी भाई बहनों को अपने तन से योगदान देना होगा। इसलिए आप सभी लोग एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा करके, एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में धर्म का प्रचार करिएगा, गांव गांव के लोगों को शाकाहारी बनाइएगा, उनको भजनानंदी बनाइएगा, उनको संगत के साथ जोड़िएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, ये होली का कार्यक्रम 18, 19, 20 मार्च ये 3 दिवसीय होली का कार्यक्रम मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा।
तारीख आप लोग याद रखिएगा 18, 19, 20 माह आप सभी लोग सब परिवार इसमें पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी बराबर साथ में लेकर के आया करो। ये अकेले अकेले जो चल पड़ते हो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये भाई चलो हम चलेंगे सत्संग सुनने, इन बच्चों को घर में रहने दो, अरे इनकी उम्र ही क्या है, अरे इनको पढ़ाई लिखाई करने दो, अभी इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, ये भजन पूजा पाठ करना ये हम बूढ़े बाड़ों का काम है, इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने दो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अरे प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात मानते हैं कि आज के भौतिक युग में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हम भी 10वीं किए और 10वीं के बाद फिर 12वीं किए और 12वीं के बाद फिर हम बीए किए और बीए के बाद एलएलबी करके वकील बने। गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई एमए बीए की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर एमए बीए की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते, इतना भ्रष्टाचार न फैल रहा होता। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से, ये बच्चे देश के भविष्य है। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए बराबर अपने बच्चों को सत्संग में जोड़े रहना, संगत की सेवा में जोड़े रहना, शाकाहारी के प्रचार में उन बच्चों को भेजो। अभी छोटे छोटे बच्चे जब समाज के बीच में उतरेंगे और जब शाकाहारी का प्रचार करेंगे कि भाई मांस खाना बुरी बात, शराब पीना बुरी बात, तो समाज पर कितना गहरा असर पड़ेगा। देखो ये छोटे छोटे बच्चे और हमको समझाने आए कि मांस खाना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात, अरे समाज पर तो असर पड़ेगा ही, उन बच्चों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा कि भाई हम ये जो बात कह रहे हैं तो हमको भी इन चीजों से दूर रहना चाहिए। तुम्हारे बच्चे भी मांस और शराब से दूर रहेंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये बच्चे कच्चे घड़े हैं, इनको बचपन से तैयार किया जाता, बचपन से ही अच्छे संस्कार डाल के तैयार किया जाता। इन बच्चों पर निगाह रखो कि कहीं हमारे बच्चे किसी गलत संगत और सोबत में ना फंस जाएं। बच्चों पर पूरी निगाह रखो, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, तभी ये बच्चे समाज का नाम रोशन करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। होली के अवसर पर आप सभी लोग पधारिएगा और देखो प्रेमी भाई बहनों, ये सत्संग समाप्त हो जाने के बाद अभी हम आपके बीच में उतर जाएंगे और आपसे बारी बारी से मिल भी लेंगे। आप प्रेमी भाई बहनों कोई धक्का मुक्की मत करिएगा और हमारी आप माताओं बहनों से विशेषकर हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि जितनी भी हमारी माताएं बहने हैं, अगर आप कोई गले में कोई सोने की चैन कोई आभूषण पहने हो तो आप लोग अपने आभूषणों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे धक्का मुक्की में अब आपकी कहीं चैन टूट जाए, कि गले के पायल कहीं टूट जाए, गिर जाए, कोई ले जाए, तो आपको तकलीफ होती है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, अगर आपने ऐसे कोई आभूषण पहने हैं इसको धीरे से उतार कर जेब में रख लो, पोटली में बांध करके रख लो, आगे भी ध्यान रखा करो। ऐसे विशाल कार्यक्रमों में आप लोग ऐसी चीजें पहनकर मत आया करो। तो अभी हम आपके बीच में उतर जाएंगे, बारी बारी से सबसे मिल भी लेंगे। सबसे पहले हमारी माताएं बहने आएंगी, इनसे आप मिल लेंगे। देखो ये बगल में गुरु महाराज की गाड़ी है, गुरु महाराज की चरण पादुका रखी हुई, आप लोग चरण पादुका पर दर्शन करके प्रसाद लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़िएगा और कोई आप लोग धक्का मुक्की मत करना। अरे सबसे मिल करके, अरे आज तो वैसे भी नहीं जाना, यही हमको रहना है, रात्रि पड़ाव हमारा यहीं पर रहेगा, इसलिए हमको कोई जल्दबाजी नहीं है। आप लोग भी कोई जल्दबाजी मत करना, आप लोग धक्का मुक्की बिल्कुल मत करना। माताएं बहने अपने आभूषणों को बचा करके और धीरे धीरे बारी बारी से आप लोग एक एक करके आइएगा और मिलते हुए आप लोग आगे बढ़िएगा।
अब आप सभी लोग खड़े हो जाओ, गुरु महाराज के पावन नाम का आप सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम और प्यार के साथ उच्चारण करोगे। बोलो जय गुरुदेव। गुरुदेव प्रेमी भाई बहनों, जो भी दक्षिणा वैद्य सेवा आप लोग देना चाहते, ये झोली वाले आप लोगों के बीच में जाएंगे, आप लोग झोली में डाल दीजिएगा, इधर से रास्ता धीरे से खुलेगा, आप लोग बारी बारी से मिलते हुए आगे बढ़िएगा। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी महाराज है। प्रचार करने के लिए प्रेरित करेंगे। माताओं बहनों, जैसा कि आपको पूज्य महाराज जी ने हिदायत देते हुए कहा है, आप अपने गले में जो भी सोने चांदी के जेवर पहन करके आए हो उसको उतार करके अपने जेब में या सुरक्षित जगह पर रख लीजिए, जिससे आपका सामान गायब होने का डर खत्म हो जाए। माताओं बहनों, बार बार आपको इसीलिए सचेत किया जा रहा है कि आप उसको दिखाने के